नमस्कार। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है। इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम नेता एक दूसरे को घेरने में जुट गए। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अचानक राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भड़क गए। दरअसल तेजस्वी ने ईडी को भाजपा का जमाई बताया था। इस पर विजय सिन्हा नाराज हो गए। विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह राजनीति का दुर्भाग्य है। CBI, ईडी और इनकम टैक्स को वह भाजपा का जमाई कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे विभाग माँ भारती के संतान हैं। ये संविधान हमारी माता के रूप में है। ऐसे मगर किसी संवैधानिक व्यवस्था पर मजाक कर रहे हैं तो यह घृणित मानसिकता का परिचायक है। विजय सिन्हा ने आगे कहा, देश के जो नाजायज औलाद तुम्हारे यार है। नाजायज औलाद से उनका मतलब भ्रष्टाचारी, अपराधी और आतंकी से था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता के किए गए पाप ने बिहार को बर्बाद कर लोगों को लूटने का काम किया है। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि माँ भारती का संतान इसकी जांच कर रहा है और कोर्ट भी इस पर जजमेंट दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी का बयान कोर्ट को भी घेरता है। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की जनता देश के नाजायज औलादों को पालने वाले को कभी पसंद नहीं करेगी। बिहार को उनसे मुक्त करने का काम करेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या विचार, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और इसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया।